उधर भारत की राजधानी दिल्ली में चल रही किसानी संघर्ष को लेकर कैनेडियन संसद मैंबर सोनिया सिद्धू ने किसानों के हक में जिहाद का नारा मारिया ते लोकतांत्रिक मुल्क में अपनी गल को शांतमई ढंग से सरकार तक पहुंचाने के हक की गल कही है। एमपी सोनिया सिद्धू ने कहा कि कैनेडा में वसते पंजाबी भाईचारे के लोग अन्नदाते को आ रही मुश्किलों से उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित ने। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान के दायरे में रहिंदिया विरोध प्रदर्शन करना सारे का संविधानिक हक है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि इसका जल्द ही कोई शांतिपूर्वक हल निकल आएगा। किसान अन्नदाता ने जो किसी भी मुल्क का तुरा होंगे ने तो उन्होंने बन का मान सत्कार मिलना चाहिए तो किसानों की मंगों की सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से वायरल हो रही फोटो वीडियोज उन्होंने देखिया ने जिन्होंने किसानों वालों गुरु के लंगर सारे बिना किसी भेदभाव के छकाए जा रहे हैं। जिथे एक पास किसानों तशद्दुद सहने पै रहे हैं उत्थे ही किसान बिना किसी वितकरे के तशद्दुद करने वालों भी लंगर छका रहे हैं जिससे उन्होंने बहुत माण है। उन्होंने कहा कि यह गुरु साहब दी सिख्यावां ही ने जिन्होंने सानू निष्काम सेवा से मेहनत का बल बख्शा है। उन्होंने इस गल से एक बार फिर तो जोर दिता है कि संविधानिक दायरे में रहिंदिया लोकतंत्रिक मुल्क में विरोध प्रदर्शन करने का सबनों हक है।